दरवाजा खोलो शाबाश। और लंच बॉक्सेस ना खाली आने चाहिए, ओके? चेक करूं ना, भारी बैग फिर तुम्हारे पास नहीं आ सकता। तुम्हारा लंच बॉक्स कहाँ है? वो भी मेरा ऑफिस में क्लाइंट के साथ लंच था, इसीलिए खुद ही मना कर दिया था। ओ, अच्छा सुनो जी, अरमान को जरा जल्दी जगा देना, छुट्टी का ये मतलब नहीं है कि वो दोपहर तक पलंग तोड़ता रहे। जी जगा दूँ। और उसे कहना चचा की तरफ हो आए, जब से वो बीमार पड़े कोई उनकी आयादत के लिए नहीं गया। और उसे ये भी कह देना कि वहाँ से फारिग होकर मेरे स्कूल आ जाए, मैं उसी के साथ घर वापस आऊंगी। ठीक है, कह दूंगी। चले अम्मी, देर हो रही है। हाँ बेटा चल। आई नालायक है ये, उठो सुबह हो गई है। नालायक होंगी आप, आपके बच्चे, आपका शौहर। भाभी प्लीज सोने दे। तुम्हारी अम्मी का ऑर्डर है कि अरमान को गरम खौलता हुआ पानी डालो उसके सर पे और उठाओ। अब तुम शराफत से उठ रहे हो या पानी लाऊं मैं? भाभी तू मेरी अम्मी है या जल्लाद? अरे ऑर्डर देती है और चली जाती है। बेटा तुम्हारी तो वो अम्मी है, खालिस अम्मी, हमसे पूछो। बन गई ना आप भी मजलूम, दुखों की मारी। अम्मी जो है सो है, आप भी किसी बहू से कम नहीं है। अपने ये 1908 के जोक्स जो है ना, बोरिंग जोक्स, इनको बंद करो। उठो जल्दी से नाश्ता करो और क्या कहते हैं वो, चचा के घर जाना। चचा की तरफ? चचा की तरफ क्यों? अरे अम्मी के ऑर्डर है, पहले चचा के घर फिर अम्मी के स्कूल, समझे मुन्ने? भाभी मैं कोई पोस्टमैन हूँ या ड्राइवर? मेरे मुन्ने को पूछा आ गया। प्लीज अपनी 1908 की पोपलाहट ना अपने बच्चों के साथ जाके क्या करें? नाश्ता लगा रही हूँ, जल्दी आओ नीचे। लोगों के अब्बा जालिम होते हैं, मेरी अम्मा जालिम। थैंक यू। थैंक यू। इस वक्त आपका चेहरा पता है कैसा लग रहा है? एकदम जले हुए पापे जैसा। अच्छा बाबा ठीक है, ले जाऊंगा मैं आपको बाजार, अपने चेहरा इंसानों जैसा कर ले। नहीं है मको, हर बार अपनी बहन की बातों पर एतबार कर लेती हूँ, एंड टाइम पे आके वो मुझे धोखा दे जाती। हाँ एक नंबर की झूठी है वो, मैं कहता हूँ ना आपसे। तो मुझे बाजार लेकर जाओगे तो अम्मी के ऑर्डर्स का क्या होगा? अम्मी से क्या कहूंगा मैं? आइडिया, अम्मी से कहूंगा कि मुझे कंबाइन स्टडी करनी है फ्रेंड के साथ, कैसा? आला, तुम कितने अच्छे और मान, तुम ना होते ना तो क्या आप मेरे बोरिंग भैया से उकता गई हैं? बकवास नहीं करो, हमारे भाई से क्यों उकताऊंगी मैं, इतने अच्छे हैं वो। सुनो मैं ना बैग लेकर आती हूँ, तुम जल्दी से नाश्ता करो।
कितनी बार तुम्हें मना किया कि तेज मत चलाया करो, मेरी जान निकल जाती है। अपनी बीवी होगी ना, उसके साथ इतनी तेज चलाना। अरे उसे बिठा कर मैं चलाऊंगा नहीं बल्कि उड़ाऊंगा, लेकिन मेरी शादी होने तक तो भैया मुझे गाड़ी भी दिला देंगे। देख क्यों कैसे दिलाते हैं, इतने तेज चलाओगे तो कभी भी नहीं। अच्छे दरवाजा तो खुलवा दे। वैसे जब शौहर घर आ जाए ना तो शौहर को बीवी की तरफ देखना चाहिए, टीवी की तरफ नहीं। अरे भाई कभी तो टीवी पे मेरी मर्जी चलने दिया करो। अरे आपकी मर्जी चलती है यहाँ और किसकी चलती है? पता है आज मैं अरमान के साथ मार्केट गई थी, लड़का किसी एक दुकान पे टिकने नहीं दिया इसने मुझे, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, और बार्गेनिंग सारी खराब करा दी। उल्टा दुकानदार ने महंगी चीजें दी मुझे, मस्खरा कहीं का। कौन मस्खरा? अरमान और कौन? मैंने भी कहा जब तेरी शादी होगी ना और तू अपनी बीवी के साथ शॉपिंग करने जाया करेगा, फिर मैं देखती हूँ ऐसे कैसे करते हो। अरमान के साथ साथ अब उसकी बीवी के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया था। हाँ तो और क्या, अरे मैं तो चाहती हूँ हमेशा हमारे साथ रहे शादी के बाद भी। पता है आप रेगुलर इस सर में तेल लगवाया करें, अरमान के बाल देखें आपने कितने अच्छे हैं। अरे कोई मुझे चाय पिलाएगा? अरे वाह भाई वाह, यहाँ तो मालिश का सेशन चल रहा है। वाह मजे आ रहे भैया, चले। अरे अरे मेरी बात क्या कर रहे हो, दो मिनट ठहर जाओ ना। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ मालिश कैसे करवा, ऐसे करके। भाई तुम ठहर जाओ ना, मैं उनकी पहले लगा दूं तेल उसके बाद फिर मैं। और सुन मालिश शुरू की जाए। तुम सिगरेट पी कर आए हो? हाँ सिगरेट पिए तुमने?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पौधों का बड़ा ख्याल है, कुछ घर की खबर है क्या चल रहा है? क्या मतलब? अब इतनी नासमझ मत बनो। वाकई मैं नहीं समझी। सारे मोहल्ले को समझ है और तुमको खबर नहीं? बहन ये शरीफों का मामला है। आप जो कहने आई हैं वो कहिए। अपने बेटे को देखा है? अरमान को? हाँ उसी को। अपनी बहू की तरफ से इतनी गफलत ठीक नहीं, सारे मोहल्ले को इनका चक्कर पता है। दोनों देवर भाभी तो लगते ही नहीं, सीना मीना की जोड़ी लगती है दोनों की। शर्म करो तुम, एक तो सिगरेट पिए और उसके बाद हिम्मत देखो बड़े भाई के सामने भी आ गए। मरोगे तुम एक दिन, तुम्हारे फेफड़े जो है ना अंकल सड़ जाएंगे। कब से पी रहे हो? भैया वो बस ऐसी कभी कभी। मैं तो कहती हूँ छोड़ दो, ये बहुत बकवास चीज है, खांस खांस के मरोगे तुम। भाभी आप तो ऐसे कह रही है जैसे आपको आज पहली मरतबा पता चला। आपने मुझे पहले कभी सिगरेट पीते देखा ही नहीं। देखा नहीं था, पकड़ा था तुम्हें और फिर तुम्हारी सांस भी ली थी, भूल रहे हो तुम? अच्छा और क्लास लेने के बाद क्या कहा था याद नहीं है? क्या कहा था? अच्छा ये कहा था, अरमान ये सिगरेट कैसी होती है तो ना मुझे भी टेस्ट करवा दो। अल्लाह कितना झूठ बोल रहा है ये, कितना झूठ, ये बकवास कर रहा है, मैंने कभी नहीं कहा। झूठ क्यों बोल रहे हो अपनी सिगरेट छुपाने के लिए? क्षमा तुम सिगरेट पीना चाहती हो, वो भी अरमान से लेकर? अरे बिल्कुल नहीं, बकवास कर रहा है ये, क्यों झूठ बोल रहे हो? ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? जाओ नहीं करनी मुझे तमाशा, हट जाओ जाओ। अभी तुम झूठ बोलते हो तो। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। अब सीधा रखो ना सर। और देखो बहन, जवान लड़के तो होते ही बेलगाम घोड़े की तरह हैं, मगर तुम्हारी बहू तो समझदार है ना, उसे अकल होनी चाहिए। भाभी है बीवी नहीं, और तुम किस बात का इंतजार कर रही हो? चोटी पकड़ के लगा दो उसे, माशाल्लाह स्कूल टीचर हो, बच्चियों को पढ़ाती हो लिखाती हो। हाय हम तो बड़ा मासूम और भोला समझते थे शमा को, क्या पता था कि वो अपने ही घर में। बकवास बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। वाह बड़े मिजाज है टीचर साहबा के, मोहल्ले में किसी ने रोककर सवाल किया ना तो फिर मुझसे मत कहना, मैं तो तुम्हारा भला ही चाहती थी। ठीक है मैं चलती हूँ। भाभी आप भी बड़ी उस्ताद चीज है, क्या जरूरत थी भैया के सामने ये सिगरेट वाली बात करने की? मेरी बात तो तुम मानते नहीं हो, तो मैंने सोचा तुम्हारे भाई से तुम्हें जूते पड़वाऊं। अरे मेरी चुगलखोर भाभी, क्या क्या छुड़वाएंगी आप मुझसे? ये सिगरेट छुड़वाऊंगी और ये जो फरहीन है ना, ये सामने वाली जो है, ये दोनों चीजें छुड़वा कर आऊंगी मैं। ये नहीं छूटेगी। अरमान। जी अम्मी। चलो अपने कमरे में जाओ। अम्मी अभी थोड़ी देर और मुझे मालिश करवाने में। सुना नहीं तुमने? उठो जाओ अपने कमरे में। अम्मी क्या हुआ, क्या बात है? तुम्हें कहा था ना जब ये बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है, लेकिन तुम्हें तो अरमान से ज्यादा नन्ही बनने का शौक है। क्या कह रही है, हुआ क्या है? क्या हो गया अम्मी, क्या बात है? वही हुआ जो होना था। शेख साहब की बीवी, मोहल्ले वाले, बराबर वाले, हर कोई ये कह रहा है कि ये देवर भाभी नहीं सीना मीना की जोड़ी लग रही है, इन दोनों का चक्कर चल रहा है। ये क्या बकवास है, ये सब झूठ है। ये कितनी जिल्लत की है उस औरत ने मेरी, मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं है। इस घर को भंडार खाना बना के रख दिया है इसने। शमा आप कैसी बातें कर रही हैं, इल्जाम लगा रही हैं आप मुझ पर कि ये बहतान है, गलत है ये बात। दिल साफ हो तो जबान भी साफ होती है, और तुम्हारी नीयत, तुम्हारी जबान, किस किस को बताओगे कि तुम सच्ची हो? दुनिया वाले नीयत नहीं जबान देखते। मेरी नीयत? आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? सुफियान मैं और अरमान, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? दबे लफ्जों में मैंने हमेशा तुम्हारी तंबीद की, हमेशा इस बात को झुठलाया, देवर भाभी के रिश्ते को हमेशा दोस्ती का रिश्ता समझा, मगर बात अब घर से निकलकर लोगों की जबान तक आ गई है,
किसकी जमान पकड़ेंगे हम? ये झूठ है, ये झूठ है स्वयं ने। और अल्लाह माफ करे, खुदा ना खास्ता कि अभी चाची खेलने, चाची मुझे खेलने। अरे भाई शोर तो मत करो, ये लो। चाची मुझे खेलने है पहले। अरे बेटा वो छोटी है ना, उसे खेलने दीजिए, फिर आपकी टर्न। ओके देखा, चलो उठो तुम दोनों, चलो सोना है, सुबह स्कूल जाना है। मम्मा थोड़ी देर खेलने देना प्लीज। नहीं नहीं, चलो उठो। छोटी आ जाओ, तुम दोनों जल्दी आओ, चलो 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 जल्दी चलो। भाभी को क्या हो गया है? मतलब आपकी अम्मी जो कह रही है वो सही है? मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो वो कह रही है वो गलत भी नहीं है। क्या ये कैसी घटिया बात कर रहे हैं आप? कितना गिरा हुआ इल्जाम है। है और अरमान, तुम भी तो हर वक्त अरमान अरमान करती रहती हो, अपने बच्चों से ज्यादा मुझसे ज्यादा हर वक्त तुम्हें अरमान की फिक्र रहती है। क्या कोई हद है इस बात की या नहीं? आप भूल रहे हैं जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी वो सिर्फ 12 साल का था। तुम जब से इस घर में आई हो सिर्फ एक अच्छी भाभी बनी, ना एक अच्छी बीवी बन सकी ना एक अच्छी बहू, सिर्फ एक भाभी। बल्कि मुझे तो शर्म से ये बात कहनी पड़ती है कि तुम एक अच्छी मां तक नहीं बनी। अशक, इतनी नफरत? क्योंकि तुमने हमेशा अरमान ही को फौकियत दी है, हमेशा तुम्हारे होंठों पर सिर्फ अरमान ही का नाम रहा है। क्या हो गया आपको? छोटा भाई है वो आपका। एग्जैक्टली, और मैं चाहता हूं कि यह बात तुम भी हमेशा याद रखो। भैया तुम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यहां मेरे बेडरूम में बगैर इजाजत बगैर लॉक के शर्म लिहाज या तमीज है कि नहीं तुम्हें? I'm sorry भैया, मैं अपने रूम में जा रहा था, अपना नाम सुना इसलिए रुक गया। भैया अभी ठीक कह रही, हमें बच्चों के स्कूल में देर हो रही है, आपने साथ चलना है? नहीं बेटा, मेरा ख्याल है मुझे घर पर ही रहना चाहिए। तुम जाओ। तुम क्या समझती हो इस तरह की हरकतें करके तुम अपने आप को मनवा लोगी? मैं जब शादी करके इस घर में आई थी ना, तो सुफियान ने एक बात कही थी मुझे कि कभी मेरी माँ के सामने जुबान ना खोलना, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकती। इससे तो बेहतर था कि तुम अपनी जुबान खोल लेती, यूं खामोशी के पर्दे में इतना बड़ा खेल तो ना खेलती ना। भाभी भाभी भाभी, आज आपने मुझे सुबह उठाया भी नहीं। आपको पता है मुझे कंबाइन स्टडीज के लिए जाना था फ्रेंड के पास, लेट हो गया, अब जल्दी से मुझे नाश्ता दे। अम्मी आज आप स्कूल नहीं गई? आप दोनों में कोई प्रॉब्लम? मैं बताती, तुम्हारी अम्मी और तुम्हारे भैया और सारे मोहल्ले वाले ये समझते हैं कि मेरा और तुम्हारा कोई चक्कर चल रहा है, और उसी चक्कर को पकड़ने के लिए तुम्हारी अम्मी आज स्कूल नहीं गई। कैसा चक्कर? ये सब क्या है अम्मी?
अरमान, अरमान, भाभी, भाभी, भाभी बात को सुने, भाभी, भाभी प्लीज दरवाजा खोले, भाभी, भाभी प्लीज, भाभी बात तो सुने, अभी लेकिन कितनी गिर भाभी प्लीज फोन उठाएं भाभी भाभी प्लीज फोन उठा लो भाभी प्लीज फोन उठा लो
बस करो शर्मा, और कितना रोगी तुम, सुबह से रोए चली जा रही हो, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? तुमने ठीक किया जो यहाँ आ गई, दो चार दिन तुम यहीं रहोगी ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारे ससुराल वालों की। देखो तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। घर में इतना कुछ हो गया मुझे पता ही नहीं चला, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अभी आप कहां चली गई? आपके बगैर कितना अकेला हो गया। हर कोई ये कह रहा है कि ये देवर भाभी नहीं सीना मीना की जोड़ी लग रही है, इन दोनों का चक्कर चल रहा है। दिल साफ हो तो जबान भी साफ होती है, और तुम्हारी नीयत तुम्हारी जबान, किस किस को बताओगे कि तुम सच्ची हो? तुम भी तो हर वक्त अरमान अरमान करती रहती हो, अपने बच्चों से ज्यादा मुझसे ज्यादा हर वक्त तुम्हें अरमान की फिक्र रहती है। क्या कोई हद है इस बात की या नहीं? तुम जब से इस घर में आई हो सिर्फ एक अच्छी भाभी बनी, ना एक अच्छी देवी बन सकी ना एक अच्छी बहू, सिर्फ एक भाभी। बल्कि मुझे तो शर्म से ये बात कहनी पड़ती है कि तुम एक अच्छी मां तक नहीं बनी। अपनी दोस्त मारिया के घर गई हो, फिर क्या सोचा है तुमने? मैं चाय चाहती हूँ। आई एम सॉरी भाभी, ये सब कुछ मेरी वजह से।
आप अकेली नहीं है भाभी, मैं आपके साथ हूं। कितनी गृहें खोली हैं मैंने, कितनी गृहें अब बाकी हैं, कितनी गृहें खोली हैं मैंने।